बोलो शंकर भगवान की जय। बस 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 बस, भैया रोक लो, आज नहीं रोकोगे। बाय बाय। कैसे हो? अरे भाई साहब इतने सारे बच्चे, अरे अरे अरे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, और राम राम भाई सभी को। तो आज भाई फाइनली मैं जा रहा हूँ एक छोटी सी ट्रिप पे, जो ट्रिप भाई अप्रोक्स 3 दिन की होने वाली है। तो भाई मेरा ये सडनली प्लान बना कि भाई एक ट्रिप पे चलते हैं, तो आज हम लोग निकल रहे हैं, हम खाली 2 लोग जा रहे हैं। तो मॉर्निंग के अभी बज रहे समथिंग 9:30 के आसपास बज रहे हैं, तो अभी मैं फटाक से निकलूंगा। अपनी गाड़ी भाई रेडी हो चुकी है, इसको मैंने धुला नहीं, ऐसे नॉर्मल पोछा हुआ है। तो भाई हम कहाँ पे जा रहे हैं मैं रास्ते में बताऊंगा, हर चीज एक्सप्लेन करूंगा। तो खाली 2 लोग ही रेडी हुए, बाकी लोग का कुछ प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि हमारा ही सडनली प्लान बना, कल बैठे बैठे बन गया था कि हम भाई ट्रिप पे चलते हैं। मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है और इसमें मैंने कपड़े रखे हुए एक सेट, और बाकी अपने जो चार्जर गैजेट्स वगैरह वो, और हेलमेट और गोप्रो भी मैंने रेडी कर दिया पूरा। तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं काफ़ी पास, यहाँ से अप्रोक्स 195 किलोमीटर है। जो अपने सुमित भाई है वो अपने को रीवा में ही मिलेंगे, तो मुझे वहाँ पे जल्दी से पहुँचना पड़ेगा क्योंकि फिर हमें वहाँ पे ट्रैवल करना है। मेन प्रॉब्लम ये है कि टिकट का इशू बहुत आता है उधर, तो 1 बजे से काउंटर में लाइन लगती है, तो हमें वो वहाँ पे पहुँच के और टिकट के लिए भी अप्लाई करना है। और टिकट से समझ रहे होगे, थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ, और आगे वीडियो देखो उसे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। पहले नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ और कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को भूख नहीं लगती, पता नहीं क्यों, जिसमें लाइट खा के जाऊँगा गर्मी बहुत ज़्यादा, इससे थोड़ा सा खाते हैं। भाई मैंने आज ना लैपटॉप वाला बैग लिया है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा कैरी करने बिजी है और राइड करने में भी थोड़ा सा कम्फर्टेबल प्रोवाइड करता है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, फोन कर रहे तो उठा जाओ। हाँ हाँ चलो भाई निकलते, धूप तो हो ही गई निकलने में, बस ये है कि अपन टाइम से रीवा पहुंच जाए, फिर वहाँ पे सुमित भाई मिल जाएंगे और फिर उसके बाद अपन देखते हैं क्या प्लान रहता है। बट अभी ये है कि अपन अच्छे वाले रोड से जाएंगे और आएंगे खराब रोड से, 2 रूट है, तो हम जाएंगे दूसरे रूट से और आएंगे भाई दूसरे रूट से। अपनी गाड़ी भी भाई यहाँ पे खड़ी हो चुकी है, मैं इसको निकाल के बाहर ही खड़ी कर गया था। तो चलो भाई अपनी ट्रिप बिगिन करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। ये मेरी फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप है ऐसे बाइक में, पापा भी चल रही है अपने भाई फ्रेंड लोग के पास बैठने। मैं ऑलरेडी भाई 45 मिनट्स लेट चल रहा हूँ जो मैंने टाइम सोचा हुआ था उससे, तो अभी इससे ज़्यादा तो लेट करने से तो फिर बेटर है कि फास्ट निकल लेते हैं। हाँ तो चलो भाई पहले फ्यूल कराते हैं गाड़ी पे, कोई भरोसा नहीं है ना भाई कितना फ्यूल है कितना नहीं है, और वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। एक तो इस पेट्रोल पंप में कभी कोई रहता ही नहीं है, अब देखो खड़े हैं ना भाव खाएंगे, नहीं है सड़ेला पेट्रोल पंप, पोपट हो गया मेरा, लगता है मेरी बात सुन लिए ये लोग, पेट्रोल पंप में भाई फ्यूल ही नहीं है। यहाँ पे देखता हूँ, ये तो भाई सही बताऊँ ना सबसे बकवास पेट्रोल पंप, मजबूरी में डलवाना पड़ रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे येलो लाइट जल रही है। फुल ही करवाऊँगा डायरेक्ट, बार बार का झंझट नहीं पालना अपने को, फुल कर दो। लॉक नहीं लगता क्या? लगा दो फिर, बस ऑटो कट होने दो, बस 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 बस, हाँ ऊपर तक आ गया, बस 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 बस, एक वो अभी टैंक फुल हो गया भाई। हाँ क्या बोले? ये पड़ गई 3 लाख की। अपने गाड़ी में फ्यूल टर्न हो चुका है और अभी अपने को खींचा खींच गाड़ी लेके चलनी है रीवा की तरफ, क्योंकि रीवा में भाई अपने वेट कर रहे हैं। ये बहस किया कि ये ट्रेंड नहीं किया टोपा पहनने वाला है, देख हेलमेट के ऊपर ये जो बोरा लगाया हुआ है ना भाई, ये भाई बाय गॉड ये पता नहीं क्या ट्रेंड चला है और अभी तक ये खत्म नहीं हो रहा है। इस बंदे ने हेलमेट में वो पिकाचू वाला लगा के है, मतलब क्या भाई इसको क्या मिल रहा है बताइए जरा। रीवा तो पहुंच गया यार, बस थोड़ी दूर और है यहाँ से, चौराहे पे मिलेंगे अपने सुमित भाई। भाई मेरे माइंड में अभी भी वो लड़का है यार, वो पीली पीली घास बैल क्या अलग ही कद्दू जैसा लग रहा था वो। अपने सुमित भाई यहीं पे कहीं पे बोले हैं मिलने के लिए, अभी किधर है यार देखना पड़ेगा। अरे भाई साहब यहाँ पे आके थोड़ा सुकून लगा, अच्छी खासी गर्मी है बट किधर है यार वो। चलो भाई सुमित भाई भी आ गए, लेकिन ये कच 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 यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है भैंस के यहाँ की इलेक्शन का। वहाँ पे मेरा सर दुखने लगा था यार, मैं एक तो आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ और ऊपर से वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रहा है वो इलेक्शन वाला, कैटर 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 कह रहे भैंस की यहाँ, मन कर रहा था उसको 2 थप्पड़ मारूँ, जहाँ वोट देने का मन करे वहाँ भी नहीं करता इनका एडवर्टाइजमेंट सुन के। भाई मैंने टैंक फुल कराया था, अभी भाई भी करा रहे टैंक फुल,
इसका तो हो गया आराम से, तो मेरे को लगता है आने जाने के लिए हो जाएगा, बट रास्ते में लौटते टाइम मैं ये क्या लग गया, पट्टी लग गई चिड़िया की। भाई तो ट्रैकिंग बैग लेके जा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या क्या पैक किया हुआ है, तीन दिन के हिसाब से हर चीज। अरे मैंने भी तो पैक किया हुआ है इसमें, ये बैग ज्यादा बड़ा लग रहा है ऐसा क्या, बट फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे हफ्ते भर के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए। हाँ जी लगी हुई है चेकिंग। भैया रोक लो, आज नहीं रोकोगे, रोक लो रोक लो, रुकवा लो गाड़ी। दोबारा में फंसा हूँ यार, मेरे पास हेलमेट नहीं था, बिना हेलमेट क्या था रीवा, कुछ काम था। हाँ शाम के टाइम पे आया हुआ था ना, मेरे को बाइक का टायर, बाइक का बोल रहा हूँ, कार का टायर चाहिए था, तब मेरे पास कार थी ना, तो मुझे कार का टायर चाहिए था भाई, और उसको लेने आया था रोहित के साथ, पुलिस वालों ने यहीं पे रोक लिया मुझे, शाम का टाइम था। अब बोले 200 रुपये चलान, मैं बोला सर नहीं है 200 रुपये, बोले नहीं चलान कटेगा, लाइसेंस कहाँ है, उस टाइम पे लाइसेंस था, मैंने बोला सर लाइसेंस तो है हेलमेट नहीं, बोले हेलमेट का चलान कटेगा, मैंने बोला काट रहे हो काट लो, हो गया। फिर 200 रुपये का पर्चा मेरे को दिए थे यार। ये वाला हाईवे अभी भाई बना है, ये पहले वहाँ पे टर्निंग थी ना, ऐसे ऐसे घूम के जाया करता था, अभी ये सीधे कनेक्ट कर देता है हाईवे पे, तो ये बढ़िया हो गया है। अभी यहाँ से अपन हाईवे पकड़ेंगे और करीबन यहाँ से कितना बोल दूँ मैं, 100 किलोमीटर समथिंग अपने को ऐसा ही हाईवे मिलने वाला है, क्योंकि 100 किलोमीटर के बाद ना हमें लेफ्ट में कहीं पे मुड़ना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने मैप में देखा हुआ है, भाई सुमित भाई गए हुए हैं तो उनको पता है, और 100 किलोमीटर आगे तक जहाँ से हमें मुड़ना है वहाँ तक तो मैं गया हूँ, काफ़ी बार वहाँ से मैंने ट्रैवल किया, नागपुर इवन मैं गया हूँ, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। 100 किलोमीटर तक भाई ऐसे ही बढ़िया से रोड आने वाली है, तो बहुत मज़ा आएगा राइड करने पे। सॉरी भाई माय मिस्टेक, एक्चुअली हमें 100 किलोमीटर नहीं, वहाँ से हमें अप्रॉक्स 60 किलोमीटर ही जाना है, 40 किलोमीटर मैंने घर से मेज़र कर लिया था, तो उसको छोड़ते हैं, अपने खाली 60 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है इस हाईवे पे, इसके बाद फिर अपने को कट जाना है, तो आई थिंक सो कि वो अभी हाईवे ही होगा, गूगल मैप पे दिखा रहा है तो उतनी ख़राब रोड तो नहीं आने वाली, क्योंकि काफ़ी फेमस रोड है वो। ये हम लोग गलती से आगे चले गए थे, हमें वहाँ से आगे से लेना था टर्न लेफ्ट में, तो अभी हम यू टर्न नहीं ले रहे क्योंकि यू टर्न यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर आगे से है, तो हम यहीं से रॉन्ग साइड में घुस जाते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं आ रही हैं। छाँव में भाई कहीं पे रुकते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अपने को जाना किधर से है, फालतू का भटकने से बेटर है ना कि भाई यहीं से चल लें। हम यहाँ पे रुक गए थे थोड़ा पूछने के लिए है आगे, तो आगे चल के कहीं पे जूस वूस पियेंगे भाई, आराम से खाएंगे पियेंगे। हमें यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ था ना 88 किलोमीटर, और इससे पहले भैया आए हैं तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन था, तभी अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, रात का टाइम था ना इसकी वजह से। चलो आगे चलते हैं, आगे चल के देखेंगे, अभी यहाँ से दिखा रहा है 88 किलोमीटर सीधा सीधा चलना अपने को, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही भयंकर वाली। आगे है रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा, तो आगे चलो यार रेस्टोरेंट भी है, तो वहीं में बढ़िया कुछ खाएंगे और थोड़ा सा 5-10 मिनट या आधे घंटे मैक्स टू मैक्स रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे अपन। अच्छी लग गई क्या उसको, उसको बेच के ले ले एक नहीं, उसको बेच के ले ले एक नहीं, मजाक नहीं कर, बेच के ले ले नहीं ये बाय बाय। कैसे हो, अरे भाई साहब इतने सारे बच्चे, अरे अरे अरे, चलो चलो ठीक है, बाय 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 बाय, बाद में बाद में। बच्चा बोल रहा है कि भाई वो है गाड़ी का पहिया उठा के दिखाओ ना। यार सामने ये रही सीमेंट फैक्ट्री, बहुत बड़ी दिख रही है, मैं कब से इसको देखता आ रहा हूँ, काफ़ी दूर से दिख रही है और काफ़ी पास से हम निकल के जा रहे हैं। भाई साहब एक बार देखियो यार, क्या सीमेंट फैक्ट्री है ये, तो इतना पास से मैंने शायद से ही कोई सीमेंट फैक्ट्री को देखा यार, ये क्या चीज़ बनी हुई है यार, देखियो वहाँ से ऐसे पूरा गया हुआ है, ये फर्स्ट टाइम देख रहा है मैं, पास से देखता हूँ क्या है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, बहुत अजीब है, देखिए रोलर कोस्टर की तरह पूरा गया हुआ है, ये क्या है यार, होगा कुछ यूनिक सा पता नहीं। अच्छा यहाँ से समझ गया, एक क्रेशर मशीन लगी हुई है ना, तो यहाँ से पूरे वो जो ऐसे रोलर कोस्टर की तरह बना हुआ है, तो उसमें गिट्टियाँ वगैरह ऐसा कुछ लोड हो के जाता होगा, मतलब सीमेंट बनने के लिए डस्ट वगैरह ऐसा कुछ जाता होगा, क्योंकि वो वहाँ पे बने हुआ था, मैं समझ गया था उसको देख के। पूरा बीच जंगल जा रही है ये रोड, तो बारिश के टाइम पे तो काफ़ी अच्छी होती होगी है,
बारिश के टाइम पे ना पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी रहता होगा, मतलब पहाड़ से ही गुजर रही है रोड, बढ़िया है। अभी गर्मी का सीज़न आ गया ना तो पूरा ये सूख गया है, पेड़ पौधे सारे सूख गए हैं, और अगर बारिश का यही पे टाइम होता ना तो हर तरफ ग्रीनरी होती, सारे पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते लगे होते, बारिश का पानी यहाँ बह रहा होता, कितना खतरनाक लगता ना। यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं भाई, पानी वानी पीते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी 5 मिनट का ब्रेक लिया हमने क्योंकि हमें कोई ढंग का ढाबा वो मिल ही नहीं रहा था, रेस्टोरेंट वगैरह बंदों से पूछा तो उन्होंने बोला कि आगे मिलेगा, बट मिल नहीं रहा, बहुत जम के प्यास लगाई थी तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया। इतनी गर्मी है ना, अपनी गाड़ियाँ भी भाई एकदम तप रही होंगी, छाव ही नहीं मिली तो मैंने वहाँ पे लगा दी, भैया ने यहाँ पे लगा दी है। लेंगे अभी यहाँ से अप्रोक्स 60 किलोमीटर और होगा, आपको पड़ गया 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर बरही, बरही, और फिर उस बरही से कितना पड़ता है अप्रोक्स? ऐसे 30 किलोमीटर होगा, इतना ही होगा। मेरा छोटा है ना, नीचे से हवा जाती है, गर्दन में खास करके धूप लग रही, पूरा चमक रहा है, अचानक से भाई यहाँ पे ग्रीन रोड आ गई, मतलब रोड मतलब वही है, चारों तरफ ग्रीनरी आ गई, कितना खतरनाक सा लग रहा है भाई, ऐसा कोई ग्रीनरी वाली जगह पे अभी यहाँ पे फील नहीं हो रहा है कि भाई गर्मी का मौसम है, सीरियसली बता रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है। अचानक से भाई वो चेंज हो गया, अभी पत्थर ही पत्थर थे, चारों तरफ सूखा सूखा पड़ा हुआ था, और अभी देखो हर तरफ से ग्रीनरी, पेड़ पौधे, वाह ये अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर भी हल्का सा कम है, ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा। ये कहाँ छूट के आए वे इतने सारे? हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छा हाँ हाँ, गीदड़ों की भीड़ में कोई और भी है, ऐसे कहावत है ना एक ऐसे करके, देखो गाय और भैंस में छुपे हुए एकदम से इतने सारे भाई जानवर, मेरे को लग रहा है पूरे गांव के होंगे इकट्ठा। अरे भाई साहब ये व्यू देखो यार, क्या खतरनाक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रिज की इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है? अच्छा बसेस वगैरह यहाँ से आगे नहीं जा सकती, खाली बाइक्स ही जा सकती हैं। यहाँ पे देखो बैरिकेड्स लगे हैं, यहाँ से कोई भी बड़े व्हीकल्स नहीं जा सकते, क्योंकि शायद से जो ये ब्रिज होगा ना इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई होगी, मतलब ये कभी भी हैवी व्हीकल की वजह से गिर सकता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी बड़े व्हीकल अलाउ नहीं होंगे। ओ भाई लेकिन ये नदी काफ़ी चौड़ी है, बारिश के टाइम पे तो समझ रहे हो पूरी ऐसे भर जाती होगी यार, बहुत चौड़ी है। भैया अभी हम यहाँ पे खड़े थे लेकिन ये पानी में निशान देखे मिट्टी पे ऐसे घसीट के गया है ना, तो हो सकता है कोई क्रोकोडाइल, वहाँ भी देखो बहुत ज़्यादा है, ये देखो बना हुआ है, ये पता नहीं कौन सी नदी है, कोई भी इसका नॉलेज नहीं है। ये भैंसियाँ तो खा लेते होंगे फिर तो, भैंसियों को अगर रिस्की होता ना भैया तो भैंस को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन घसीटने वाले रास्ता है, अरे यहाँ पे देखो ये मिट्टी उड़ रही है, वो देखो ये देखो ये धूल टाइप का है भाई। तो भाई हम यहाँ पे रुके हुए थे कुछ ऐसे, मस्त है यार एकदम सा, इधर भी बहुत अच्छा है यार, इधर देखो इतने भी है, मतलब ऐसा है ना कि बारिश के टाइम वाली नदी है भाई, यहाँ पे सिर्फ बारिश के टाइम पे पानी भरता होगा, बाकी टाइम में ऐसे ही, मतलब बाढ़ वाला जो नदी होती है ना वही होगी, बाढ़ आई तो पानी ओवरफ्लो करता होगा, बस ऐसा ही कुछ। यहाँ पे अपनी बाइक्स खड़ी हुई है, यहाँ पे 2 मिनट के लिए धूप है, धूप तेल लेने गया यार, हमें बस इंजॉय करना है और हम वो इंजॉय कर रहे हैं, बट मेरे को सच में डाउट हो रहा है कि यहाँ पे मगर वगर तो कुछ तो होगा, भैंस की आँख बार बार वहाँ पे मिट्टी उड़ रही है और ये घिसटने के निशान यहाँ पे बने हुए हैं ये वाले। क्या रोड से यार, क्या मजा आ रहा है मेरे को ड्राइव करने पे, मैं बार बार ड्राइव बोल रहा हूँ, मेरे को कार की आदत पड़ी है राइड करने में, और देखो सड़कें देखो यूं यूं करके, अभी ऐसे वाले रोड पे क्या होता है ना कि पूरा रेत रेत सा होता है, मतलब सोन नदी के पास वाला इलाका ना पूरा ये, तो पता नहीं क्यों मैं ऐसे इमेजिन करता हूँ, सोन नदी के पास वाले इलाके जितने भी होते हैं ना भैया ऐसे ही पता नहीं क्यों बालू वाला एरिया पूरा ये, यहाँ पे पूरा शहडोल का जितना भी एरिया होता है ना पूरे हर जगह बालू ही बालू है भाई। मेरी बाइक में पता नहीं कि अभी देखो फैन ऑन हो गया, रेडिएटर फैन, बाइक हीट हो जाती है, क्या है 102 डिग्री सेल्सियस, मतलब गाड़ी गर्म होती है भाई, मेरी गाड़ी गर्म होती है। और अभी हम बीच जंगल में रुके हुए हैं कहीं पे, यहाँ से बांधवगढ़ पड़ता है 21 किलोमीटर, उमरिया 53, और ये इंदवार पता नहीं कहाँ है, यहाँ पे बंदर की प्रजातियाँ मिल रही हैं सारी की सारी। भैया बता रहे कि ये भाई जब बफर जोन है, इन द सेंस यहाँ पे कौन से जंगली जानवर से खतरा है मैक्सिमम? तो एक ही है, बब्बर शेर, टाइगर, तो यहाँ है ही टाइगर से भाई खतरा है इधर। चलो ठीक है फिर, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से, 20 किलोमीटर और बाकी है, बाकी तो डिस्टेंस हमने कवर कर ली। तो गाइस अभी बांधवगढ़ का जो एरिया है ना टाइगर रिजर्व का, अरे मैं बोलने के चक्कर में भैंस क्या कितना ब्रेकर क्यों बनाए, अरे इतनी ब्रेकर बना के
मैं जैसे ही कैमरे में देखना स्टार्ट करता हूँ ना, वैसे ही वैन जो ब्रेक करा जाता है। एरिया बांधवगढ़ रिजर्व में ही आता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बांधवगढ़ का एरिया पूरा, और आगे जो मेन है जहाँ पे सफारी होती है वो यहाँ से करीबन पड़ता है 17-18 किलोमीटर, इतना ही होगा, इसे ऊपर नहीं है। हाँ 177, हाँ समथिंग इतना ही है, क्योंकि 190 के अप्रॉक्स है, तो ये मान लो 18-20 किलोमीटर होगा यहाँ से। चीज़ बताऊँ यार, मेरे को ना काफ़ी ये एरिया ना डरावना सा लग रहा है, मतलब ऐसा लगता है ना कि कितना सुनसान सा है, अभी कहीं से कोई जानवर निकल के आएगा। यार देखो ना, पूरा जंगल ही जंगल है, पूरा जंगल है, जंगल के बीच से रोड बनी है। अभी यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से जानवर रहते हैं, कौन से जानवर किधर से निकल आएगा, कोई भरोसा नहीं है। तो भाई अभी आ गए अपन यहाँ पे होटल देखने के लिए, मेन गेट काला खंडार जंगल जैसा लग रहा है। रात का टाइम पे अच्छा लगे, इन्होंने लालटेन वगैरह लगाए हुए हैं बल्ब वाले, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और चलो भाई, छाया तो मिल गई गाड़ी के लिए। चलो भाई, अपने को प्रॉपर्टी मिल चुकी है, और ज़्यादा रेट भी नहीं, रेट तो नहीं बताऊंगा ज़्यादा मैं, बट इसमें एक चीज़ है, प्लस पॉइंट ये है कि वाईफाई वगैरह मिल जाएगा। और ये देखो भाई, अपने को प्रॉपर एक कॉटेज मिलते, जैसे वो हो गया ये कॉटेज, वो और वो और वो, तो ऐसे ही कॉटेज मिलते हैं, और चारों तरफ ग्रीनरी है बढ़िया सा। और यहाँ पर भाई आप शाम के टाइम पर आके झूला भी झूल सकते हो। अच्छा, कपल्स के लिए एक नंबर है, लेकिन एक बात है, कॉटेज बहुत प्यारे हैं यहाँ के। तो भाई एक होम टूर दे देता हूँ, होम टूर क्या, रूम टूर ही ले लो। बेड बहुत प्यारा है भाई, हट जाओ, बेड एक नंबर का भाई, बहुत सच में। बस इसका ये जो देखने में लग रहा है ना कि ये हार्ड है, मतलब वो सॉरी सॉफ्ट है, क्या किसको क्या बोलते हैं, गद्दा ही बोलेंगे ना अपनी लैंग्वेज, और क्या बोलेंगे, गद्दा। और वैसे मैट्रेस वैट्रेस भाई मेरे को मैट्रेस वैट्रेस नहीं पता, गद्दा पता है शुद्ध भाई, बताऊँ गाँव का लड़का हो, ठीक है ना। गद्दा बहुत हार्ड है, बेड बहुत प्यारा है, रूम बहुत अच्छा है ऐसे। अरे लाइट तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लगी टीवी ये, और एसी, एसी का तो पैसे ही वसूल कर डालना अपने को, मस्त हवा दे रहा है। उसके बाद ये भाई रूम, कुछ ये दादा परदादा जमाने के रूम, इसमें क्या है, इसमें कपड़े रख सकते हैं, एक बहुत छोटा सा ड्रेसिंग सेट, जो भी मिरर बोल लो इसको, बट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग फोन में ऐसा लग रहा है, बट मेरे एंगल से देखो ऐसा दिख रहा है मेरे को। बाथरूम का टूर दे दिया जाए, बैठ दिया की कह रहे बाबा, पहली बार मैंने देखा भाई ये मीरो के चोचले। लेगी ले यहाँ पे वॉशरूम हो गया, वॉशरूम तो साला मेरे रूम से भी बड़ा ही है, तो काफी बड़ा वॉशरूम है। अभी हम लोग आए हुए कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी, और मॉर्निंग के अपन निकले रास्ते में कहीं, हम तो ढाबा ढूंढते ढूंढते तो यहाँ पहुँच गए, बांधवगढ़ पहुँच गए। हमें ना ढाबा मिला ना रेस्टोरेंट मिला, इन्होंने मेरे को बोला कि अभी चलो आगे है, आगे आगे ऐसे करते करते। अच्छा बोल रहे थे कि ये वाला रूट दूसरा है, जिस रूट से मैं गया था उसमें तो इतना जबरदस्त वाला ढाबा है कि मैं क्या बोलूं। अच्छा आप फर्स्ट टाइम गए होगे तो गूगल मैप के अकॉर्डिंग गए होगे ना। हाँ, तो गूगल मैप तो वही तो रोड दिखा रहा है, और कौन दिखा रहा है, आगे से है। हाँ, आगे से है, कटनी वाली है, कटनी से होके। हाँ यार, तो वो लंबा नहीं पड़ जाएगा फिर, बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। रात में निकला था लेकिन वो रोड बहुत अच्छी, बहुत लंबा है इस रोड से लागू रहता। A few moments later. 3-4 घंटे पहले लाइन लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद उस वाले काउंटर पे साइड में है, वहाँ पे गाड़ी नंबर मिलेगा आपको, फिर यहाँ पे पेमेंट वगैरह होती है, और उससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ लिखने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो शायद ज़रूरी भी होता है फॉरेस्ट सफारी वगैरह में। तो अभी हमको फाइनली मिल चुका है हमारा सेकेंड नंबर, तो भाई 3 घंटे से हम लगे हुए थे, तो गाड़ी नंबर अलॉट हो जाएगी और मॉर्निंग की सफारी अपनी। तो अपन आ गए भाई रूम पे, और हमें ना मिल चुका है भाई अपना जो जिप्सी होती है मॉर्निंग में 6 बजे। वहाँ पे ऐसा क्या होता है ना कि अगर आपको ना 3 ट्रिप में होता है बुकिंग गाड़ी की, पहला एक मॉर्निंग में, एक दोपहर में, और एक इवनिंग में होता है। तो अगर आपको मॉर्निंग में जाना होता है तो फिर आप मतलब चांस होते हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। तो यही है कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर के मतलब नंबर लगाने के लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटे पहले जाना पड़ता है, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ मैं। आप 1 घंटे पहले भी जा सकते हो, आपका लक है, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, वैसे इतनी भीड़ नहीं रहती, मिल जाता है। तो पहले फॉर्म में आप डिटेल्स भरोगे, सबमिट करोगे, उसके बाद फिर काउंटर में जाके गाड़ी नंबर आपको अलॉट होती है, गाड़ी की आप कौन सी गाड़ी में जाने वाले हो वो गाड़ी अलॉट होगी, फिर उसके बाद आप वहाँ पे जो फॉर्म का फीस रहता है वो सबमिट करोगे, उसके बाद फिर आप जाते हो दूसरे काउंटर में, मतलब बाहर निकल के वहाँ से, वहाँ से जाने के बाद आप वहाँ पर डायरेक्ट जाते हो जो गाड़ी वाले रहते हैं उनके पास, उनका नंबर आपको मिल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप होटल से पिक करवा रहे हो कि वहीं पे जाके आप गाड़ी में बैठोगे, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आपको जो पसंद है। देखो मैं तो नहीं नहाया, भाई ने नहा लिया, ठीक है। अभी हमारा डिनर भी आ गया, मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं खाऊंगा और सो जाऊँ, क्योंकि भाई क्यों नहाना रात में यार, सुबह फिर से अपने को उठना पड़ेगा 4 बजे उठ के नहा लेंगे, एसी चल रहा है, कौन सी गर्मी लग रही है, तो ये अच्छे काम मैं नहीं करता भाई। मैं पहले खाऊंगा अपना खाना के, यहीं पे खाएंगे, बाहर खाने का प्लान था बट बाहर हम नहीं गए क्योंकि वो खुद ही अंदर लेके आ गया, तो बाहर जाने का ऑप्शन ही नहीं मिला हमको। मैच देखते हुए डिनर करते हैं, और आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में सुबह 4:30-5 बजे समथिंग, जितने टाइम उठेंगे,
क्योंकि हमें मॉर्निंग में 6 बजे वहाँ हमारी सफारी चालू हो जाएगी, शायद से 5:30 बजे चालू हो जाएगी, मतलब हमें वहाँ पहुँचना है जिप्सी के पास। ठीक है, आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और राम राम भाई सभी को, बाय बाय। A few moments later, खा पी के मस्त आराम से हम काम कर रहे थे, चिल मार रहे थे। हमने खाने से पहले ना मतलब कॉफ़ी ऑर्डर की थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। बंदा भाई इतना डेडिकेटेड था कि वो 9:30 बजे भाई कॉफ़ी लेके, एग्जैक्ट 9:30 बजे हमने जो बोला था उसको कि आप एक काम करना, खाना खाने के आधे घंटे बाद लेके, हम 9 बजे खाना खाए, 9:30 बजे एग्जैक्ट लेके आया भाई कॉफ़ी। हमें याद ही नहीं था जब कॉफ़ी लेके एंटर किया था, हमें पता चला कि भाई अरे हमने कॉफ़ी भी ऑर्डर की थी। लेकिन एक तरह से अच्छा भी है ना कि कॉफ़ी दे दे तो अभी काम करने में थोड़ा सा मन लगेगा, नींद हट जाएगी, 11:30 बजे आराम से करेंगे, क्योंकि हमें 5 बजे 4 बजे उठना है अपने को, आराम से 4 बजे उठेंगे, नहाएंगे वहाएंगे, आप नहाए हो भाई, मैं तो नहाऊंगा सुबह आराम। अरे इतनी गर्मी हो, हाँ 5-6 बजे 7 बजे ऐसे पसीना बहेगा, यूं करके पूछेंगे। ठीक है भाई, मिलते कल। ठंडी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। अरे भभकिएगा भाई, गर्मी है, देखेंगे ठीक है, बट फिर भी गर्मी तो रहेगी ना, धूप तो लगेगी कि नहीं लगेगी, धूप की वो भी नहीं लगेगी, धूप तो ऑब्वियसली बात लगेगी। ठीक है, कल मिलते।